रीवा में आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए नए नियम, दीपावली की तैयारी और सुरक्षा के मामले में महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में दीपावली के पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस साल आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए नए नियम और मार्गदर्शन का पालन करना होगा। इस बार रीवा जिला प्रशासन ने दीपावली पर्व के मौके पर आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए नवाचार लाया है और इन नए नियमों के अनुसार आतिशबाजी विक्रेता अब अपने लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वे MPE सर्विस पोर्टल का उपयोग करेंगे। इस नए प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत आतिशबाजी विक्रेताओं को अपनी लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और इसके लिए वे लोक सेवा केंद्र का सहायता ले सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होकर जमा होगा और रीवा शहर के आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करनी होगी। आवेदन ऑनलाइन होकर जमा होगा और रीवा शहर के आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करनी होगी। यह नया नियम शहरी क्षेत्र के आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए ही लागू होगा और ग्रामीण क्षेत्र के विक्रेताओं के लिए नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ हम आपको इस नए प्रक्रिया के तहत आतिशबाजी विक्रेताओं को नए लाइसेंस के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होगा इसके बारे में जानकारी देंगे। आवश्यक दस्तावेज। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन। सबसे पहला कदम है आतिशबाजी विक्रेता जो लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा या ऑनलाइन आवेदन MPE सर्विस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। हार्ड कॉपी जमा करना। आवेदन ऑनलाइन होकर भी रीवा शहर के आतिशबाजी विक्रेताओं को अपने लाइसेंस के लिए हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय में जमा करनी होगी। शुल्क। आतिशबाजी विक्रेता को अपने लाइसेंस के लिए ₹500 का शुल्क ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। पुलिस चरित्र सत्यापन। आवेदक को अपनी पहचान के रूप में पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। वोटर आईडी और आधार कार्ड। आवेदक को अपनी पहचान के रूप में वोटर आईडी और आधार कार्ड की छाया प्रतियों को भी साथ में जमा करना होगा। व्यापार की शुरुआत और बेसिक ट्रेनिंग। जब आतिशबाजी विक्रेता का लाइसेंस मंजूर हो जाता है तो उन्हें दुकान की स्थापना के लिए तैयार होना होगा। इसके लिए वे बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड खुटेही में अपनी दुकान लगानी होगी। यहाँ वे आतिशबाजी के सुरक्षित और अज्वलनशील सामग्री से बने टीन शेड का निर्माण करेंगे और एक अग्निशमन यंत्र और 2 रेत की बाल्टियों की व्यवस्था करेंगे। लॉटरी और दुकान का आवंटन। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से 6 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन कोई भी आतिशबाजी विक्रेता अपनी दुकान का आवंटन प्राप्त कर सकता है। ट्रेनिंग। आवंटित दुकानों के लिए आतिशबाजी विक्रेताओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग 10 नवंबर से 12 नवंबर के बीच में दी जाएगी। वे सीखेंगे कि आतिशबाजी कैसे सुरक्षित तरीके से किया जाता है और यह कैसे विक्रय किया जाता है। सुरक्षा प्रमाण पत्र। सभी आतिशबाजी दुकानों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे सुरक्षा के मामले में बहुत सावधान रहें। दुकान के सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी व्यापारी की होगी। सुरक्षा दूरी। आतिशबाजी की अस्थायी दुकानों के लिए एक और महत्वपूर्ण नियम है कि वे एक दूसरे के साथ न करें और किसी सुरक्षित स्थल से कम 50 मीटर की दूरी पर हों। यह उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देगा। बिजली और लाइटिंग। सुरक्षा के मद्देनज़र इन दुकानों में प्रकाश के लिए खुले तेल या गैस लैंप और खुली बिजली बत्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर बिजली की लाइनों का उपयोग किया जाता है तो वे उन्हें दीवार या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा और किसी तरह के तार लटकने नहीं देने होंगे। मास्टर स्विच। आतिशबाजी दुकानों के लिए सभी व्यापारियों को एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिए मास्टर स्विच लगाना होगा। यह सुरक्षा को बढ़ावा देगा और किसी दुकान के 50 मीटर के अंदर और किसी सुरक्षित स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। नियमों का पालन करें। सभी आतिशबाजी विक्रेताओं को भारत सरकार द्वारा जारी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के क्रय विक्रय हेतु निर्देशों का पूरा पालन करना होगा। अगर कोई आतिशबाजी विक्रेता अपने दुकान को निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं और लगाने का प्रयास करता है और वहां से विक्रय करता है तो ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसी तरह आतिशबाजी विक्रेताओं के लिए रीवा में नए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि दीपावली के पर्व के दौरान सभी आतिशबाजी विक्रेताओं की सुरक्षा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।